शहर की सरकार बनाने के लिए हर राजनीतिक दल इन दिनों जोर मारे हुए है, और सीतापुर में समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा था। इस प्रदर्शन को क्या फिर से समाजवादी पार्टी दोहराएगी और क्या तैयारियां चल रही हैं? हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, और उन्हीं से जानेंगे कि जो निकाय चुनाव है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और कब तक प्रत्याशियों की घोषणा होगी। समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव बहुत ही मजबूती से लड़ेगी। जनपद सीतापुर में 6 नगर पालिका परिषद हैं, 5 नगर पंचायतें हैं, सभी जगह से समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। और पिछले चुनाव में भी हमारा समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा था। सीतापुर हम जीते थे, लहरपुर हमारे पास है, पैंतेपुर हमारे पास है, हर गाँव हमारे पास है, और कुछ वोटों से हम लोग डिफीट खाए थे विश्वा में। इस बार हम लोग पूरी मजबूती से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता और पूरा संगठन समाजवादी पार्टियों को जिताने के लिए तत्पर है, और सभी मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, और मतदाता सूची में विशेष रुचि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है और मतदाता सूची दुरुस्त कराने का काम किया है। और हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग अपना आरक्षण आने के बाद समाजवादी पार्टी आवेदन लेगी, आवेदन लेने के बाद एक चयन समिति बनी हुई है और उसके गठन उस मीटिंग करने के बाद यहाँ से पैनल जाएगा, और उसके बाद में समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश नेतृत्व मिलकर जो प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे, और शीघ्र ही आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। जैसे भी आरक्षण आ जाएगा उसे प्रक्रिया हम लोग आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो समाजवादी पार्टी आरक्षण का इंतजार कर रही है और प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया उसके बाद तेज हो जाएगी, ऐसा कहना है। फिलहाल समाजवादी पार्टी मतदाताओं के बीच जा रही है। हम ये जानना चाहेंगे संगठन स्तर पर क्या कुछ समाजवादी पार्टी की तैयारियां चल रही हैं, अगर संगठनिक बात करें तो। संगठन स्तर पर निकाय चुनाव की तैयारियाँ पूरी से जोर शोर से चल रही हैं। सभी नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के संगठन नगर के लोगों से निर्देशित कर दिया गया है कि सभी नगर चुनाव के लिए तत्पर हो जाएं और सभी मतदाताओं से अपनी टोली बना के जाति समीकरण बना के सब लोगों से संपर्क करें, और हर मतदाता के डोर टू डोर जाके घर कैंपेनिंग करने का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करें, और सभी लगे हुए हैं और जो संभावित प्रत्याशी हैं वो भी अपना प्रचार कर रहे हैं, और इस पर पार्टी गहनता से विचार कर रही है। जो भी प्रत्याशी जीतने वाला होगा प्रत्याशी उसी के नाम का पर विचार किया जाएगा इस बार। बिल्कुल, केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे में उनसे समाजवादी पार्टी कैसे लड़ेगी? पिछले चुनाव में आपने लड़ा और दमदारी के साथ जीता भी चुनाव सीतापुर में, अब उससे कैसे उभरेंगे, कैसे लड़ेंगे? केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर है, मगर ये जनता से उसके चुनाव लड़ेगी। जनता ऊब चुकी है केंद्र के और प्रदेश की सरकार से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न तो कोई काम हो रहे हैं, और थानों में, तहसीलों में भ्रष्टाचार मचा हुआ है, कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहे। शहरों में नालियां बजबजा रही हैं, निकाय चुनाव होने जा रहा है, और कहीं भी स्थानीय निकाय के चुनाव में कोई भी काम, नगर पालिका परिषदों में कोई भी काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया है। जो भी बजट आया है वहाँ के अधिकारियों ने मिल बांट के उसको खाने का काम किया है। इस तरीके से नगर निकाय काफ़ी पिछड़े हुए हैं, और केवल समाजवादी पार्टी में जो काम हुए थे उस कामों को गिनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी से पूरी जनता परेशान है, नौजवान परेशान है, अल्पसंख्यक परेशान है, विद्यार्थी परेशान हैं, सब महिलाएं परेशान हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है, आज गैस सिलेंडर 1100 रुपये का मिल रहा है। शहर के महिलाओं को गैस से खाना बनाना, देहात में तो महिलाएं चूल्हे से बना लेती हैं, मगर यहाँ महिलाओं का बजट, सब्जी महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया है। इन सब चीज मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के लोग जनता के बीच में जाएंगे और जा रहे हैं, और बात करेंगे लोगों से, अपनी बात रखने का काम करेंगे। बिल्कुल, छतपाल जी ये जानना चाहेंगे कि जो समाजवादी पार्टी है क्या ये सियोरिटी लेगी कि पिछले चुनाव में देखा गया है विधानसभा का चुनाव हो उसमें दलबदलुओं को कहीं ना कहीं तरजीह दी गई है, इस बार सियोरिटी रहेगी कि पार्टी के लोग ही निकाय चुनाव में लिए जाएंगे? इस बार समाजवादी पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं और जिताऊ हैं उनको टिकट देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, और पुराने लोगों को विशेष तरजीह देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी।
अगर विषम परिस्थितियों में कहीं पर ज़रूरत भी पड़ी तो अगर बाहर से आए तो उनके ऊपर भी दांव लगाया जा सकता है। बिल्कुल, तो देखिए संकेत हैं कहीं ना कहीं अगर ज़रूरत पड़ी तो उन पर भी दांव लगा सकती है, क्योंकि इनके इन प्रकार समाजवादी पार्टी का ये लक्ष्य है कि चुनाव वो जीते। पिछले चुनाव में अगर बात करें तो सीतापुर में 11 नगर पालिका और नगर पंचायतें थीं जिनमें अच्छा खासा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का ही रहा था। अब इस इतिहास को दोहराना समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती है, लेकिन उस चुनौती को कैसे स्वीकार करेंगे वो सामने आपको बता चुके हैं। और आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो तैयारियां हैं, अगर कोई आपके यहाँ आवेदन करता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे आवेदन करे, कैसे टिकट पाएगा? समाजवादी पार्टी में आवेदन करने के लिए उसको सबसे पहले समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य बनना पड़ेगा, और सक्रिय सदस्य बनेगा और जो अध्यक्ष पद के लिए आवेदन करेगा और उसको समाजवादी बुलेटिन का आजीवन सदस्य बनना पड़ेगा। उसकी रसीद जो है वहाँ प्रदेश कार्यालय से कटती है, और उसके बाद में जितने भी आवेदन होंगे उन पर सबको उसका पैनल तैयार करके वहाँ पर प्रदेश को जाएगा। एक चीज़ देखने को मिल रही है इस बार समाजवादी पार्टी में, सबसे खास बात वो ये देखने को मिल रही है कि आपके टिकट के दावेदारों में पूर्व सांसद से लेकर पूर्व मंत्री की पत्नी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को बढ़ाने का काम किया है, मुख्तार अनीस की पत्नी, पूर्व सांसद कैसर जहां, ऐसे बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि दिग्गज नेता ये चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं। जी सर, बिल्कुल सही बात आपकी है, समाजवादी पार्टी में दिग्गज नेता भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उनके नाम पर विचार किया जाएगा और कार्यकर्ताओं से भी आवेदन मांगे जाएंगे। अगर वो हमारा कार्यकर्ता भी हैसियत में है तो उसके भी नाम पर विचार किया जाएगा, इनके नाम पर भी विचार किया जाएगा, सबके जो जीतने की स्थिति में होंगे। देखिए ये है समाजवादी पार्टी की तैयारियां, और आई इंडिया सभी राजनीतिक दलों की तैयारियों को लेकर पड़ताल कर रहा है क्या उनकी तैयारियां हैं, और समाजवादी पार्टी की जो तैयारियां हैं उसको निवर्तमान जिला अध्यक्ष जो है छतपाल सिंह यादव ने बखूबी ढंग से बताया। और ख़ास बात यह है कि समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में परचम फहरा चुकी है और इस बार वो इतिहास दोहराने के लिए फिर एक बार मजबूती से उतरने की तैयारी में है। अब देखना होगा कितनी सफलता उसे मिलती है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।